दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने एक साथ ऐसा प्लान बनाया है जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि आज वीकेंड के बाद एपिसोड की शूटिंग होनी थी, लेकिन किसी कारणवश आज वीकेंड के बाद एपिसोड की शूटिंग नहीं होगी और घर वालों के जो वीकेंड के कपड़े हैं वो भी अभी तक बिग बॉस ने घर के अंदर नहीं भेजे हैं, जिसके चलते घर के सभी कंटेस्टेंट काफी परेशान थे। इसके लिए दोस्तों तेजू ने एक प्लान बनाया और करण को कहा कि यार करण एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी ने अपने लाइनों को पूरी किया भी नहीं था, यानी कि बात को कम्प्लीट नहीं किया था, लेकिन इससे पहले ही करण कुंद्रा ने अपनी जो जैकेट है उसको उतारने शुरू कर दी, यानी कि उसको खोलने लग गए। ये देखकर दोस्तों तेजू काफी घबरा गई और तेजू ने करण को घबराते हुए कहा कि तू ये क्या करने लग गया, पहले मेरी पूरी बात तो सुन कम से कम। इसके बाद में करण ने कहा कि चल ठीक है जल्दी बोल आगे क्या। जिसके बाद दोस्तों तेजू ने बताया कि मेरा बस इतना था कि हम दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं ताकि सारा कैमरे का जो ध्यान है वो हमारी तरफ चले जाए, क्योंकि कैमरे का मुंह हमारी तरफ मुड़ जाएगा तो बिग बॉस भी हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद हम बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर देंगे कि हमारे वीकेंड के कपड़े भेज दो। अब दोस्तों यहाँ पर तेजू की ये बात सुनने के बाद में तो करण का मूड ही ऑफ हो गया और करण ने तेजू को कहा कि चल ठीक है यार, मुझे कुछ नहीं सुना, मेरे को बस वो रोमांस वाला जो सीन था ना वहाँ तक ही सुनने में आया था, उसके आगे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर तो तेजस्वी भी काफी हैरान रह गई, लेकिन दोस्तों ये सीन देखने में वाकई काफी फनी था। फिलहाल दोस्तों आपको तेजू और करण की ये नोटी वाली मस्ती कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप भी तेजू और करण के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।